जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पांचवें अध्याय की कथा। नवरात्रि का व्रत, जो कि हर वर्ष चार बार मनाया जाता है, दो गुप्त नवरात्रि के रूप में और दो प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक, जो कि माता दुर्गा के नौ स्वरूपों का पूजन किया जाता है, वहीं पे गुप्त नवरात्रि के व्रत में, जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माता दस महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पांचवें अध्याय की कथा। इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। तो आइए सबसे पहले माता दुर्गा का ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर हिंदी में कथा को श्रवण करेंगे। ओम घंटा शूल हलान शंख मुशले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जे दधतिम घनांत विलसच शीतांशु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगता माधार भूता महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मुसल चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित राज्य भ्रष्ट पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख रूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी शिव रूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है, दुर्गा दुर्गपारा दुर्गम संकट से पार उतारने वाले सारा सबकी सार भूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धुर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है, जगत की आधार भूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है,
जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में अस्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्रों ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देते हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती देवी को पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी। बोली, शुंभ दैत्य निष्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर
शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान है जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजल किनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुंभलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिंदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्री में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ पर गया और फिर मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्री में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु
इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरा अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वो करे। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। इसी प्रकार से आगे की अध्याय को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।